नमस्कार, मैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट न्यूनाटोलॉजिस्ट, अपोलो सेस हॉस्पिटल भोपाल। आज हम बात करेंगे न्यूनाटल जॉन्डिस के बारे में। न्यूनाटल जॉन्डिस को नवजात शिशु का पीलिया भी कहा जाता है। नवजात बच्चे पहले हफ्ते में थोड़े पीले दिखते हैं, जिसे हम नवजात शिशु के पीलिया बोला जाता है। नवजात बच्चों का पीलिया का कारण अडल्ट पॉपुलेशन और पेडियाट्रिक पॉपुलेशन से अलग होता है। न्यूनाटल जॉन्डिस मुख्यतः दो कारणों से होता है। पहला है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, जिसे हम आमतौर का जॉन्डिस कहा जाता है, और दूसरा होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस यूजुअली 3 से 4 दिन में होता है और यूजुअली 1 से 2 हफ्ते के अंदर ये ठीक हो जाता है। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस यूजुअली पहले दिन से दिखाई देता है और कभी कभी 2 हफ्ते तक भी रहता है। न्यूनाटल जॉन्डिस को हम फोटोथेरेपी से ट्रीटमेंट करते हैं और हमारे पास इसके ट्रीटमेंट के LED फोटोथेरेपी की फैसिलिटी अपोलो सेस हॉस्पिटल में अवेलेबल है। कभी कभी नवजात बच्चे का जॉन्डिस बहुत रैपिडली बढ़ता है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे हमें ऑक्सीजन ट्रांसफ्यूजन से ठीक करना पड़ता है। न्यूनाटल जॉन्डिस के रिलेटेड कुछ मिथ कम्युनिटी में हैं, जैसे कि माँ का पीले खाने से बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है। ये सही नहीं है। ये भी बोला जाता है कि माँ का दूध अगर बच्चा पीता है तो उसे पीलिया हो जाएगा। ये भी गलत है। और एक कॉमन प्रैक्टिस है कम्युनिटी में कि सनलाइट एक्सपोजर, ये माना जाता है कि सनलाइट से जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। ये गलत है, साइंस इसे नहीं मानता है। इसके बेनिफिट्स बहुत ही कम है, हार्म बहुत ज़्यादा है, क्योंकि न्यूनेट का स्किन बहुत ही सेंसिटिव होता है, जिससे सन बर्न के चांसेस रहते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको नवजात बच्चे के जॉन्डिस के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।